गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. दिस इज द लेक्चर 6 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है, लेक्चर 5 में इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना. आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन. देख, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर हमको निकालना था. ए टू द पावर एक्स, बी टू द पावर वाई होता था, और x प्लस वाई को जोड़ते थे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता था. यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x और y पर डिपेंड करता है, और x और y जो होता है वो एक्सपेरिमेंट से आता है. कहने का मतलब है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का आप देखकर नहीं बता सकते हैं, वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है. लेकिन मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन आप किसी भी रिएक्शन को देखकर बता सकते हैं. मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि किसी भी रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. जैसे एग्जांपल के लिए, यहाँ पर एक रिएक्शन है आपके पास, N2 प्लस 3H2 टेंड्स टू 2NH3, यानी नाइट्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन गैस के तीन मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो दो मॉलिक्यूल अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है. तो आपको प्रोडक्ट का कितना मॉलिक्यूल है ये नहीं देखना है, आपको मॉलिक्युलैरिटी जब पूछा जाए, आपको रिएक्शन दिया रहेगा और इसका मॉलिक्युलैरिटी पूछेगा. देखिए, तीन मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन के हैं और एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का है, टोटल कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हो रहे हैं? चार मॉलिक्यूल. तो इसकी, इस रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी हो गई चार. एक दूसरा रिएक्शन है 2NH3, यहाँ पे अमोनिया टूट रहा है, तो आपको सिर्फ रिएक्टेंट साइड कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपको देखना है. ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट सिर्फ एक ही है, अमोनिया, तो अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? दो. तो इस रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी क्या हो गई? दो. प्रोडक्ट साइड कितने मॉलिक्यूल है उससे आपको मतलब नहीं है, बस रिएक्टेंट के साइड कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. उसी प्रकार एक तीसरा एग्जांपल है 2NO प्लस O2. देखिए, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल हैं भाई? दो मॉलिक्यूल हैं. ऑक्सीजन गैस के कितने मॉलिक्यूल हैं? कुछ नहीं लिखा है सामने, मतलब एक है. तो दो मॉलिक्यूल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के हो गए और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का हो गया, टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए भाई? तीन. यानी इस रिएक्शन में तीन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे इसका मॉलिक्युलैरिटी जो है तीन है. तीन को हम लोग टर्म मॉलिक्युलर बोलेंगे या ट्राई मॉलिक्युलर बोलेंगे. अगर मॉलिक्युलैरिटी दो है तो क्या बोलेंगे? बाई मॉलिक्युलर. अगर मॉलिक्युलैरिटी चार है तो क्या बोलेंगे? टेट्रा मॉलिक्युलर. इस तरह से रिएक्टेंट के साइड जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनको जोड़ करके देख के बता दीजिए मॉलिक्युलैरिटी क्या है. यानी कि मॉलिक्युलैरिटी को आप किसी भी रिएक्शन को देख कर उसका मॉलिक्युलैरिटी बता सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे, आप मॉलिक्युलैरिटी सिर्फ वैसे रिएक्शन को देखकर बता सकते हैं जो एक स्टेप में होता है, मतलब जो बेसिक रिएक्शन है, एलिमेंट्री स्टेप में होता है. मतलब जो सिर्फ एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाए, वैसे रिएक्शन का ही मॉलिक्युलैरिटी आप देखकर बता सकते हैं. अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब वैसा रिएक्शन जो एक से अधिक स्टेप में पूरा होता है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चार स्टेप में मान लीजिए पूरा हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? किसको चारों का नहीं जोड़ेंगे, चारों स्टेप में रिएक्टेंट साइड को नहीं जोड़ेंगे. उस कंडीशन में आपको चार जो रिएक्शन होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, सपोज दैट, तो चारों रिएक्शन में से किसी रिएक्शन के बगल में लिखा रहेगा स्लोवेस्ट स्टेप. स्लोवेस्ट, चार स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, तो जो स्टेप सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा, जो स्टेप सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा, उसी स्लोवेस्ट स्टेप में रिएक्टेंट के साइड कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको खाली जोड़ दीजिए, वो आपको बता देगा मॉलिक्युलैरिटी. सारे स्टेप्स के रिएक्टेंट के साइड के मॉलिक्यूल्स को जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए. लेकिन अगर एलिमेंट्री स्टेप में है, एक ही स्टेप में हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे आप? यहाँ से 3+1=4, 2+1=3 करके निकाल सकते हैं. सिंपल, मतलब मॉलिक्युलैरिटी आप एलिमेंट्री स्टेप का निकाल सकते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन का निकाल सकते हैं. अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का निकालना हो तो उसका भी निकाल सकते हैं. अगर एक से अधिक स्टेप में है तो क्वेश्चन में जो सबसे ब्रैकेट में लिखा रहेगा स्लोवेस्ट स्टेप है चार स्टेप में, उसी स्लोवेस्ट स्टेप का, जैसे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए, सपोज दैट, इसको भी भूल जाइए, ABC भूल जाइए, मान लीजिए कि ये तीन रिएक्शन है, उसमें से बीच वाला रिएक्शन जो है वो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है. ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है स्लोवेस्ट, इसको भूल जाओ, ABC मत बोलो. देखो अभी मान लो कि थोड़ी देर के लिए मानो कि ये तीनों एक ही रिएक्शन है, उसमें से ये ब्रैकेट में लिखा है कि ये स्लोवेस्ट स्टेप है, तो स्लोवेस्ट स्टेप के रिएक्टेंट के साइड कितना मॉलिक्यूल है? दो. तो इस तीन रिएक्शन तीन स्टेप में भले हो रहा है, इसका मॉलिक्युलैरिटी कितना बोलना है? दो. ना कि ये नहीं बोलना है 3+1=4+2=6+2=8+1=9. 9 नहीं बोलना है, 9 नहीं बोलना है, क्या बोलना है? 2 बोलना है. क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर है, सपोज दैट, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में वो स्टेप जो सबसे स्लोवेस्ट होता है
उसी के रिएक्टेंट के साइड कितने मॉलिक्यूल्स हैं, बस उसी को देख करके मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्वेश्चन आपके सीपीपी में डाला गया है, या आपको जो मैंने बुक का इमेज भेजा है क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का, उसमें भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर एक दो क्वेश्चन दिया गया होगा, उसको देख करके आपको बनाना है। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट अलग से भेज दूंगा, ठीक है? तो ये हो गया, मतलब हम लोग मॉलिक्यूलरिटी देख कर बता सकते हैं रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते हैं। देखिए मॉलिक्यूलरिटी कभी भी किसी भी रिएक्शन का जीरो नहीं हो सकता है। मान लीजिए अगर एक भी मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो फिर रिएक्शन किस बात का? यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने क्या बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं होगा। क्या कभी आधा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा? नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी को आप देख करके थ्योरेटिकली बता सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप देख के नहीं बता सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन आप देख कर बता सकते हैं, ठीक है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तीन से ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन तीन से ज़्यादा भी हो सकता है। ये सब डिफरेंस है। तो आपको डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, ये तीन मार्क्स में जैक के बच्चों के लिए आएगा, विशेष ध्यान रखेंगे। कॉलम बना के इसका डिफरेंस नहीं लिखना है, जैसे आपके नोट्स में ये लिखा हुआ है, आपके नोट्स में ये बात है, उसका इंग्लिश को नोट से कवर करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस दो से तीन मार्क्स का आता है जैक के बच्चों के लिए। सीबीएसई के बच्चों के लिए क्या आएगा, पहचानने के लिए, वही वाला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वाला एक मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया रहेगा और उसमें मॉलिक्यूलरिटी पूछेगा, तो वही बताया मैंने, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, घबराने की जरूरत नहीं है, चार स्टेप दिया रहेगा, ठीक है? आपको पहचानना बताने बोलेगा कि इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या है, तो ब्रैकेट में लेकिन लिखा रहेगा, चार स्टेप रहेगा ना रिएक्शन का, तो सबसे स्लोवेस्ट ब्रैकेट में लिखा रहेगा, तो जो सबसे स्लोवेस्ट लिखा रहेगा बस उसी का खाली देखना है कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा सीबीएसई के बच्चों के लिए। सॉरी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस जो है वो बहुत ईजी है, वो आपके नोट्स में लिखा है, इसलिए उसको मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं, एंड द टॉपिक इज अगला जो है वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, यानी एक डेरिवेशन है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है डेरिवेशन, थ्री मार्क्स के लिए जैक के बच्चों के लिए। सीबीएसई में डेरिवेशन नहीं पूछेगा, सीबीएसई के बच्चों को और जैक के बच्चों के लिए यहाँ से एक बात कॉमन होगी, और कॉमन ये होगा, क्वेश्चन पूछेगा प्रूव दैट, क्या क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट, ये प्रमाणित कीजिए दैट रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब ये प्रूफ करके बताइए कि ऑर्डर ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, कैसा ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। हम बताए थे ना कि जनरली रिएक्शन कितना तेजी से होगा, स्पीड होगा या स्लो होगा, वो रिएक्टेंट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है। अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा है ना, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की संख्या ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा तेजी से होगा, ठीक है? लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन थोड़ा सा रहे चाहे ज़्यादा रहे, उसके स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस स्पीड से स्टार्टिंग होगा उसी स्पीड से लास्ट तक चलेगा, वैसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें उस रिएक्शन का जो रेट होता है, उस रिएक्शन के होने की जो स्पीड होती है, वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। तो इस बात को प्रमाणित करके बताने बोलेगा, प्रूफ करके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। देखिए हम सभी जानते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग आज निकाल रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसके बाद अगली क्लास में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का निकालेंगे। सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर का हमको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन नहीं पढ़ना है, सिर्फ जीरो ऑर्डर का पढ़ना और फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ना है। तो आज हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालने जा रहे हैं, ये तीन मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है ए प्लस बी
ये आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम क्या जानते हैं, जनरली इक्वेशन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अभी हम जीरो ऑर्डर का बात डेरिवेशन कर रहे हैं, इसलिए हम जनरल केस लेके चल रहे हैं, जीरो का निकालेंगे इसी तरह फर्स्ट का भी निकालेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। ये कहाँ सारा समझ में आ रहा है ना भैया, ए और बी रिएक्टेंट हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ना, ए और बी पे, तो कर रहा है ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। यानी रेट, अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो आपको कॉन्स्टेंट पुट करना पड़ेगा के, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, के ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई। अब ए क्या है, रिएक्टेंट है, बी भी क्या है, रिएक्टेंट है, तो जहाँ ए है उसको हम लिख सकते हैं क्या, आर, क्योंकि ए इज ऑल्सो, ए इज रिएक्टेंट ना, बी इज ऑल्सो अ रिएक्टेंट, तो ए भी एक रिएक्टेंट है, तो हमने ए के बदले क्या लिख दिया, आर टू द पावर एक्स। बी भी एक रिएक्टेंट ही है तो उसको भी क्या लिख दिया, आर, आर कैपिटल आर का मतलब है यहाँ पर रिएक्टेंट, तो आर का पावर एक्स एंड आर का पावर वाई। अब आप जानते हैं कि जब मल्टीप्लाई करने पर बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो यहाँ दोनों का बेस सेम है, आर का पावर एक्स इंटू आर का पावर वाई, तो बेस सेम है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पावर ऐड हो जाएगा, तो के आर टू द पावर एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं ना, एन एक्स प्लस वाई क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर का जो, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के पावर का जो सम होता है उसी को तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का पावर ए है, दूसरे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर वाई है, तो एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ेंगे, सम करेंगे, पावर का सम करते हैं, वही तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देता है। तो क्या हो गया, यहाँ समझ में आ रहा है कि आर टू द पावर एक्स प्लस वाई कैसे आया, सो ए बी की जगह पे आर क्यों आया समझ में आया, क्योंकि ए भी रिएक्टेंट है बी भी रिएक्टेंट है, तो दोनों की जगह हमने आर लिख दिया, कॉमन कर दिया, बेस मल्टीप्लाई कर दिया, पावर ऐड हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में हमने इसको ले आया। यहाँ से क्या निकल के आया, आर रेट इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू क्या निकल के आया, के आर टू द पावर एन, एन कहाँ से आया, एक्स प्लस वाई के बदले, इसको हमने इक्वेशन वन बोल दिया। अब यहाँ से हमको जनरल, ये जनरल हो गया, अब यहाँ से हमको पुट करना है, फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है तो एन का वैल्यू वन कर देंगे, जीरो ऑर्डर का निकालना है तो एन का वैल्यू जीरो कर देंगे, और इस तरह से हम जीरो ऑर्डर का भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर के लिए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आर का पावर जीरो करेंगे तो क्या, किसी भी चीज़ का पावर अगर जीरो होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाता है। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो, के आर टू द पावर जीरो, आर का पावर जीरो क्यों की है, क्योंकि आर का पावर एन है और हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल रहे हैं, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू जीरो पुट कर दिए। अब आर का पावर जीरो कर दिए तो वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू वन हो गई। अब वन को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, के ही ना होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया, के। रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट कांस्टेंट पे। क्या यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे आर है, कंसंट्रेशन ऑफ आर यहाँ पे है, नहीं है। ये इक्वेशन टू को देखकर बताइए कि क्या यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इनिशियल कंसंट, जैसे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आर पे डिपेंड कर रहा था जनरल केस में, लेकिन जीरो ऑर्डर के लिए जब निकाल रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, ये वाला टर्म क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ये टर्म क्या हो गया, हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि एन का वैल्यू हमने जीरो पुट कर दिया। यानी ये बात हमको समझ में आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है, ये प्रमाणित हो गया। तो आपको प्रूफ करने बोलेगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको चीज़ों को डिराइव करके लिखना और बोलना, हैंस प्रूव्ड दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या है, रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये प्रूव हो गया। अब इसी में कंटिन्यू करना है, इसी में कंटिन्यू भी करना है, ये यहाँ से हो सकता है, कभी कभी पूरा डेरिवेशन दे देता है, और कभी कभी डेरिवेशन नहीं देकर खाली इतना दे देगा प्रूफ दैट, और बच्चा लोग पूरा डेरिवेशन रट के जाता है, और उसको क्वेश्चन पूछ दिया प्रूफ दैट रेट ऑफ रिएक्शन, तो बायां दाहिना करने लगता है, अरे भाई तुम्हारा मास्टर बताए नहीं किया है। तो मैं यहीं पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है, आपको प्रूफ करने के लिए बोल सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो आपको यहीं तक करना है। लेकिन अगर बोल दिया कि डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, क्या बोल दिया, डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको आगे कंटिन्यू भी करना पड़ेगा। तो हम जानते क्या है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो हम क्या जानते हैं, समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है,
टाइम के रिस्पेक्ट में, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है। तो हम जानते हैं क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस, माइनस क्यों लगाए हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है, आर मतलब रिएक्टेंट का, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है और रिएक्टेंट को कैपिटल आर से, ब्रैकेट में लिख दिया मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये माइनस में है क्योंकि समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, इज इक्वल टू प्लस डी पी बाई डी टी, जिसको डी पी नहीं पढ़ना है, डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डी टी, यानी जितना तेजी से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा इज इक्वल टू उतना ही तेजी से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो बढ़ रहा है इसलिए प्लस, घट रहा है इसलिए माइनस, ये तो हम जानते हैं, आगे पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब ये फ्रॉम इक्वेशन टू क्या था हमारा, इक्वेशन टू क्या, रेट इज इक्वल टू के, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बदले हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं ना। तो के इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो हम एक ही टर्म लेके चलते हैं रिएक्टेंट के, खाली इसको लेके नहीं चल रहे हैं, खाली इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, खाली इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, और रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या है, जीरो ऑर्डर के लिए के है, जहाँ रेट ऑफ रिएक्शन है वहाँ क्या लिख दिए, के इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी। अब क्या करना है, हमको इंटीग्रेट करना है दोनों साइड, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो डी टी यहाँ पर डिवाइड में है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है, इसको, इस टर्म को हमको इंटीग्रेट करना है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट मतलब क्या होता है, जोड़ना, छोटे डी मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, इसको हम बड़े इंटरवल के निकालना चाहते हैं। तो डी टी यहाँ डिवाइड में, इधर क्या चीज़ में हो जाएगा, मल्टीप्लाई, पहले वेरिएबल सेपरेबल किया जाता है, एक तरह के चीज़ों को एक तरफ, दूसरे तरफ की चीज़ों को दूसरी तरफ। तो टाइम को हम इस साइड कर देंगे, इधर आ रहने देंगे, तो यहाँ पे डी टी डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, के डी टी इज इक्वल टू माइनस डी आर। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, आपके पास क्या है, के माइनस डी आर बाई डी टी है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो डी टी कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ और डी आर यहीं रह जाएगा। तो डी आर इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात तो बराबर है, डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर वाला माइनस इधर चला गया, कोई दिक्कत उससे नहीं, एक साइड माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब हमको इंटीग्रेट करना है, तो डी आर, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, तो डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, देखो के कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता है, दो को जोड़ेंगे तो क्या होगा, दो को कुछ नहीं, दो एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो माइनस के को हमने इंटीग्रेशन से बाहर रखा। जिस प्रकार डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, उसी प्रकार डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी, डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर। तो डी आर के बाद यहाँ पर लिमिट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर लिमिट नहीं है, बिना लिमिट का भी इंटीग्रेशन होता है। तो डी आर का आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी के बदले टी। अब चूंकि यहाँ लिमिट नहीं है, इसलिए हमको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर डालना होता है, पता होगा आपको इंटीग्रेशन में, क्लास 12th में पढ़ना होता है, थोड़ा बहुत फिजिक्स वाले सर ने पढ़ाया होगा तो ठीक है, अदरवाइज आप एक जान लीजिए कि अगर इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं है तो एक हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई का मतलब यहाँ क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने जोड़ दिया, ये जुड़ता है, नियम है, लिमिट नहीं है, इसलिए अगर लिमिट रहता तो यहाँ पे हम आई नहीं लगाते। तो आर डी आर के बदले आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस, टी कहाँ से आया, डी टी के बदले टी आया, प्लस आई, आई क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं है, इसको हम इक्वेशन 3 बोल रहे हैं। अब मान लीजिए जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट टेंड्स टू होने वाला है एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, जब रिएक्शन ठीक स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है उस वक्त रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अभी रिएक्शन आटा गूंथ के रखे हैं 5 kg, अभी रोटी पकाना स्टार्ट नहीं किए हैं, तो गूंथे हुए आटे की मात्रा क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम आटा 5 kg गूंथ के रखे हैं, मैक्सिमम है। समय के साथ धीरे धीरे वही वाला गूंथा हुआ आटा क्या होने लगेगा, रोटी पकाना स्टार्ट करेंगे तो गूंथा हुआ आटा क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, और पकी हुई रोटियों की संख्या बढ़ने लगेगी। तो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, जब आटा रोटी पकाना स्टार्ट नहीं किए हैं उस वक्त रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट क्या, आटा गूंथा हुआ आटा, उस वक्त रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम। तो जब टाइम टी इक्वल टू जीरो पे रिएक्टेंट का जो भी कंसंट्रेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, आर नॉट, जीरो लगा दिए। जीरो का मतलब क्या है, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम क्या बोल रहे हैं, आर, इसको क्या पढ़ते हैं, नॉट, एन ओ टी, नॉट, नहीं, क्या नहीं, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है उस वक्त रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, तो आर क्या हो जाएगा, आर नॉट। जब टाइम टी का वैल्यू यहाँ जीरो पुट कर देंगे इस इक्वेशन 3 में, टाइम टी का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो आर का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा, आर नॉट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब टी का वैल्यू आप जीरो पुट कर रहे हैं उस वक्त आर आर नहीं रहेगा, आर नॉट रहा होगा,
at time t equal to 0, R tends to R naught. That is initial concentration of reactant. R naught. जब भी नॉट लगा रहेगा समझिएगा इनिशियल कंसेंट्रेशन है. ओके, ऑफ रिएक्टेंट. आर मतलब रिएक्टेंट, जो कि क्या होता है मैक्सिमम. हमेशा रिएक्टेंट का इनिशियल कंसेंट्रेशन मैक्सिमम होता है और प्रोडक्ट का फाइनल कंसेंट्रेशन मैक्सिमम होता है. जबकि प्रोडक्ट का इनिशियल कंसेंट्रेशन मिनिमम होता है, जीरो होता है. जब रोटी पकाना स्टार्ट नहीं किए हैं तो पकी हुई रोटियों की संख्या क्या है, जीरो, मिनिमम है. लेकिन गूंथे हुए आटे की मात्रा क्या है, मैक्सिमम है. जैसे जैसे रोटी पकाना स्टार्ट करते जाएंगे, समय बीतता जाएगा, तो गूथे हुए आटे यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा. तो इस इक्वेशन में क्या करना है, जब टी के वैल्यू आप जीरो पुट करोगे तो आर के बदले क्या पुट करोगे, आर नॉट पुट करोगे. तो फ्रॉम इक्वेशन थ्री, जब टी के वैल्यू आपने जीरो पुट करा, यहाँ पे माइनस के इंटू टी, टी के जगह पे क्या पुट कर दिया आपने, जीरो पुट कर दिया. जब यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पुट करें तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे आर क्या है, आर नॉट है. तो R के बदले भी क्या पुट किया आपने, R नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो प्लस आई. ये कांड हम काहे कर रहे हैं, इतना इतना फैला क्यों नहीं रहता हम, क्योंकि यहाँ से हम I का वैल्यू निकालना चाहते हैं. क्या निकालना चाहते हैं, I का वैल्यू निकाल कर पुट करना चाहते हैं. तो I का वैल्यू निकालने के लिए आपको हमेशा ये करना पड़ेगा, टाइम t इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब तक I का वैल्यू निकालने के लिए ये वाला टर्म जीरो करना पड़ेगा. और ये वाला टर्म जीरो करने के लिए t का वैल्यू ही जीरो कर सकते हैं, क्योंकि k कभी जीरो नहीं होता है. तो यहाँ पुट कर दिया तो k को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ये वाला वैल्यू क्या हो गया, ओवरऑल खत्म हो गया जीरो. यहाँ क्या बचा, राइट हैंड साइड में सिर्फ आई बचा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, आर नॉट. तो यहाँ आई इज इक्वल टू क्या निकल के आया, आर नॉट निकल के आया. अब आई इज इक्वल टू आर नॉट निकल के आया, इसको इक्वेशन थ्री में पुट कर दीजिए, फिर से वापस जाइए. आई इज इक्वल टू क्या हो गया, आर नॉट. देखिए सॉरी, किसी का कॉल आ गया था बच्चों, इंटरप्ट हो गया. एयरप्लेन मोड में डालना होता है, फ्लाइट मोड में डाला नहीं, भूल गया मैं, फ़ोन आ गया, कट गया रिकॉर्डिंग, फ़ोन से ही कर रहा था दोस्त. चलो कोई इशू नहीं है, ठीक है, कंटिन्यू कर दें यहाँ से. ओके, तो हमने क्या किया, फिर से फ्रॉम इक्वेशन थ्री आर नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के इंटू जीरो प्लस आई. यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो गई, आर नॉट. इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन थ्री में पुट करेंगे. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वेशन थ्री क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट हो जाएगा. भैया यहाँ पे क्या था, आई, और आई का वैल्यू क्या लाया आपने, आर नॉट. इक्वेशन थ्री में देखो ना जरा, आर के जगह आर रहने दो, माइनस के टी रहने दो, प्लस आई के जगह वैल्यू क्या निकाला आपने, आई का वैल्यू क्या निकाला आपने, आर नॉट. तो यहाँ पुट करोगे तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के टी प्लस आर नॉट. अब यहाँ से ये प्लस आर नॉट जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस चला जाएगा. तो आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया. अब देखो ना, बिल्कुल सही डेरिवेशन हो रहा है. क्यों सही हो रहा है, अब ये अब बताओ, रिएक्टेंट ये आपका आर जो है ये रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन है, और ये आर नॉट है ये रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन है. अब फाइनल में इनिशियल घटाओगे, रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन क्या होता है, कम, और इनिशियल क्या होता है, ज़्यादा. अब तुम कम में ज़्यादा घटा रहे हो तो वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब ठीक चल रहे हैं हम लोग. कम में तुम ज़्यादा घटा रहे हो ना, रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, कम है, इनिशियल क्या होता है, ज़्यादा. तो कम में ज़्यादा घटाओगे तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, मतलब सही चल रहे हैं आप. अब हम ऐसा क्या कांड करें कि ये पॉजिटिव हो जाए, तो दोनों साइड अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो प्लस में वो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो ये प्लस है तो पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई किए बोथ साइड, ठीक है. तो माइनस से मल्टीप्लाई करते वैल्यू क्या हो गई, माइनस. ये वैल्यू क्या हो गया, प्लस. तो इसको पहले लिख लिया आर नॉट, ये कहाँ चला गया बाद में, आर इज इक्वल टू प्लस के टी. यहाँ से k इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, t यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ क्या डिवाइड में हो जाएगा, तो आर नॉट माइनस आर बाई टी. k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर बाई टी हो जाएगा. बात समझ में आ रहा है, दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. यही डेरिवेशन आपको करना है. यहाँ पर रेट कॉन्स्टेंट k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई टी, जहाँ आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. आर क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. टी क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आर होने में जो समय लगा है, उस समय को हम टी से डिनोट कर रहे हैं. यानी आर नॉट से आर होने में, इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन जाने में 40 से 20 होने में जो समय लगा है, उस समय को हम क्या कहेंगे, टी कहेंगे. और ये क्या है, रेट कॉन्स्टेंट है. वेयर आर नॉट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर इज इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड टी इज इक्वल टू टाइम टेकन टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम आर नॉट टू आर. अब ग्राफ देखिए जरा,
ग्राफ, इससे ग्राफ बनाएंगे जरा हम लोग, ठीक है। ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम, जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, किसका है, जीरो ऑर्डर का ग्राफ, ध्यान समझिएगा। अब जीरो ऑर्डर के ग्राफ में आप ये बताइए जरा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ घटता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ घटता है क्योंकि, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसलिए क्या होगा, यूनिफॉर्म रेट से घटेगा। ये बात हमने पहले ही बताया था, चाहे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो चाहे ज़्यादा हो, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म रेट से घटेगा। क्यों घटेगा, रेट ऑफ रिएक्शन का बात नहीं कर, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं घट रहा है, समय के साथ रेट ऑफ रिएक्शन नहीं घट रहा है, समय के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घट रहा है, चाहे जीरो ऑर्डर चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड ऑर्डर हो। भैया रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो घटेगा ना, लेकिन क्या होता था फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में, क्या होगा, ग्राफ ऊपर से नीचे पैराबॉलिक कर्व में आता, ऐसे आता था, लेकिन चूंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसमें क्या होता है, जितना तेजी से स्टार्ट होगा उतना ही तेजी से खत्म होगा, बीच में भी यूनिफॉर्म रेट चलता जाएगा। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन इस तरह से आएगा। अगर वही ग्राफ हमको बनाना हो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन का, यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच का ग्राफ है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच का ग्राफ है। एक दूसरा ग्राफ अगर बनाना हो रेट ऑफ रिएक्शन का और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, यहाँ पे टाइम की जगह पे हमने क्या ले लिया, रेट ऑफ रिएक्शन ले लिया, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा इस तरह से। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, चाहे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना भी हो, रिएक्शन का रेट क्या रहेगा, एक जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट होता है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एकदम यूनिफॉर्म रेट चलता जाएगा, चाहे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हो चाहे कम हो, रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर के लिए यूनिफॉर्म रेट, देखो ना स्ट्रेट लाइन ना आ रहा है तो एकदम स्ट्रेट लाइन चलेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ ऐसा होगा, और रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। इसके बाद हमको हाफ लाइफ पढ़ना है, लेकिन हाफ लाइफ आपको लगता है हैक्टिक हो जाएगा, एक ही दिन में ज़्यादा हेवी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूँ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।